हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम सीखेंगे हलासन और विपरीत करनी मुद्रा। हलासन और विपरीत करनी मुद्रा दोनों आसन दोस्तों बहुत अच्छे हैं। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पहले मैं आपको बता देती हूँ जिन्होंने ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर किसी का पेट का सर्जरी हुआ है, पेट की बहुत ज़्यादा पेट दर्द है तो ये आसन ना करें। या स्पाइन का बहुत ज़्यादा किसी को तकलीफ है तो ये आसन ना करें। और फायदे तो दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हलासन और विपरीत करनी मुद्रा से हमारे जो पेट के रिक्ताई मसल्स है वो मजबूत होते हैं और पेट की समस्याएं दूर हो जाती हैं, जैसे कि अपच, कब्ज, गैसेस की समस्याएं दूर होती हैं। और हमारा जो स्पाइन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो इससे काफ़ी सारे फायदे हैं। तो चलो आज हम करेंगे हलासन और विपरीत करनी मुद्रा। हलासन के लिए दोनों पैर सेंटर में लेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास, अब अपने रेक्टाई मसल्स के सपोर्ट से धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। 30, 40, 60, 90। अब धीरे से, झटके से नहीं, दोनों पैरों को अपने सिर की ओर ले जाएं। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं, टोस को जमीन पे टच कर दें। और अब अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे ले जाएं, इंटरलॉक फिंगर्स करके। अगर पॉसिबल है तो दोनों टोज बाहर की ओर या फिर टच भी कर सकते हैं। यहाँ पे रुके कुछ क्षण। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज करने के लिए अपनी आंखें खोले। धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर रखें और धीरे धीरे अपने पैरों को, पहले पीठ को नीचे रखेंगे, धीरे धीरे पैरों को 90, 60, 40, 30 और धीरे से पैरों को नीचे लें। अब हम करेंगे विपरीत करनी मुद्रा। उसके लिए दोनों पैर सेंटर में लेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास, अब अपने रेक्टाइल मसल्स के सपोर्ट से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। 30, 60, 90। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को अपने सिर की ओर ले जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को कमर पे रखना है और धीरे से अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ले आना है। इस तरह ये आपकी अंतिम स्थिति है। यहाँ पे कुछ क्षण रुकना है, आंखें बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आंखें खुले रिलीज करने के लिए धीरे से अपने पैरों को नीचे ले आए सिर की ओर, हाथों को रिलीज करें और धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे ले आए। तो दोस्तों इस तरह से हलासन और विपरीत करनी मुद्रा करें और अपनी समस्याएं दूर करें। थैंक यू।